नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित कीजिए। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए सही है। प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, उस टाइम जो है बंगाल के तत्कालीन गवर्नर थे रोजर ड्रैक। द्वैत शासन लागू 1765 में, गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध 1764 में, गवर्नर थे वेंसी टॉट। बंगाल अकाल 1770 में, गवर्नर थे कटियार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो किसने किया? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो करने वाला थे हेक्टर मुनरो। बंगाल का द्वीप शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेल्सली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहले भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्वेश्चन नंबर एट। राज्यक्षय, हड़प नीति, जप्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया है? डलहौजी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस किसने लॉर्ड वेल्सली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, 1, 2 और 3। हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालानुक्रम बताइए। अमरदास, रामदास, अर्जुनदीप, तेग बहादुर। सुंगोलु की संधि जो 1816 में हुई किनके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन सी भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर व सतारा। क्वेश्चन नंबर 19। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे बेंटिंक। वोडिया डैश की शासक थे मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। क्वेश्चन नंबर 27। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? अवध। क्वेश्चन नंबर 29। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मिकाले के मिनट से। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? 1, 2, 4 एवं 3। रॉबर्ट क्लाइव, वेंसी टॉट, कर्टियर और वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 32। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना में पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड केनिंग। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खान, बुरहान उल मुल्क।
क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाऊ दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और भी बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 38, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर है अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 40, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 41, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? 1 एवं 4, मोहनलाल एवं मीर मदान। क्वेश्चन नंबर 42, काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 130 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? कलकत्ता में। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी में 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को डाकू के राज्य की संख्या दी? के एम पानिका। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधी थी वारिन हेस्टिंग्स से। क्वेश्चन नंबर 46, इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसी बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह सुजा से? ब्रिटिश जनरल जिसमें हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया? सर आयरकुट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस टूडे ही स्थायी बंदोबस्त से, लॉर्ड वेलजरी सहायक संधि प्रणाली से, लॉर्ड बेंटिंग 1829 का सत्वर रेगुलेशन से। क्वेश्चन नंबर 52, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था वह था बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 54, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने अपनी अधिक राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगी स्थानांतरित की? मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेद गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ किस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799। क्वेश्चन नंबर 61, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? सिराजुद्दौला। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 64, डिंडीगुल नाम है तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो इसका सही आंसर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि 1784 पारित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, 2 और 3। 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध, 1824-26 प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध। क्वेश्चन नंबर 70, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2 एवं 3। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अंगद अंग देव ने सिखों को अपनी लिपि गुरुमुखी दी। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्यों पर विचार कीजिए, 3, 2 एवं 1। सतारा संबलपुर और झांसी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 73,
ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी की समय में। सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करें। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी सही है। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ठगू की दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? कर्नल सली मैन। सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करें। इसका आंसर ऑप्शन ई सही है। बहादुर शाह प्रथम, शाह ई बेखबर, फारूक सैयद मुगल वंश का घृणित कायर, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह द्वितीय जफर। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुजम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहानदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? जुल्फिकार खान। फारूक सैयद किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु। नृत्य निर्माता के रूप में से किसे जाना जाता है? सैयद बंधु को। क्वेश्चन नंबर 81, सैयद बंधुओं ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी? फारूक सैयद। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? 1, 2, 3 एवं 4। फारूक सैयद को, रफी उद दरजात को, रफी उद दौला, मोहम्मद शाह, ये सभी। सैयद बंधुओं का पतन किस किस समय में हुआ? मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 84, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फरुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? मोहम्मद शाह रंगीला। भारत पर आक्रमण करने वाली किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन नंबर 88, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? शाह आलम द्वितीय के। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 91, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया, यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दमन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली? कुयार में, बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 92, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? शाह आलम द्वितीय। सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित कर। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। बंगाल 1713 में जो इसके संस्थापक थे मुर्शिद कुली जाफर खान। फरुखाबाद जो बना 1714 में मोहम्मद खान बख्श। 1720 में कर्नाटक के संस्थापक थे सआदत उल्ला खान। 1722 में अवध के मीर मोहम्मद अमीन सआदत खान बुरहानु मुल्क। क्वेश्चन नंबर 94, सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करें। इसका आंसर ऑप्शन ई सही है। हैदराबाद, हैदराबाद के संस्थापक के मीर कमरुद्दीन चिनकिलिच खान निजा मूल मुल्क जो 1724 में बना। रुहेलखंड 1727 में अली मोहम्मद खान। भरतपुर 1740 में बदन सिंह। मैसूर 1761 में हैदर अली। क्वेश्चन नंबर 95, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामन यानी कि चूड़ामणि ने। निम्नलिखित में से किसी जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? सूरजमल को। क्वेश्चन नंबर 98, मुर्शिद कुली जाफर खान को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? फारूक सैयद। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसी ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? मुर्शिद कुली जाफर खान। क्वेश्चन नंबर 100, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खान एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था? तो इसका आंसर ऑप्शन ही सही है। मुगल बादशाह फारूक सैयद द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खान एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या।